Here is your Lavina, ma'am. And here is your Ishneet, ma'am. So kids, how are you all? They're fit, fine and cheerful. Perfect. Wow. So kids, are you all ready to start your day with us? Yes, ma'am. So what we do, first of all, we do prayer. So join your hands properly, close your eyes. Start Namokar Mantra. नमो अरिहंतानं नमो सेधानं नमो अरियानं नमो वृझायानं नमो लोए सव्य साहुनं ऐसो पंच नमो कारो सव्य पापनासनो मंगलालं च सवेसे परम महावै मंगलं. Continue with Guru Mantra. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. कंटिन्यू विद गायत्री मंत्र. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओके. Hands down, open your eyes. So kids, are you all ready? Yes, ma'am. Perfect. So kids, first of all, tell us, what is the date today? Today is 29th October 2020. Today is 29th October 2020. And what is the day today? Today is Thursday. Today is Thursday. So kids, हमें daily याद रखनी है. Okay kids? Ma'am, आपको पता है कल तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था. Oh ma'am, क्यों? फिर आपने क्या किया? फिर मैं डॉक्टर के पास गई. डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी और वो खाकर मेरा स्टमक एक ठीक हो गया. ओके, सो डॉक्टर ने आपकी हेल्प की. यस मैम, डॉक्टर ने मेरी हेल्प की. वाओ, डॉक्टर की हेल्प से आप ठीक भी हो गए? यस मैम, मैं ठीक हो गई. वाओ, अच्छा मैम, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था? मैम, मेरा पर्स चोरी हो गया था. ओ, कैसे? मैम, मैं मार्केट गई थी ना, मार्केट से एक चोर ने थीफ ने मेरा पर्स चोरी कर लिया था. ओ, तो फिर आपने क्या किया मैम? मैम, फिर मैं पुलिस मैन के पास गई पुलिस स्टेशन पे. उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की. ओके, सो पुलिस मैन ने आपकी हेल्प की आपको आपका पर्स वापस? यस मैम, पुलिसमैन ने मेरी बहुत हेल्प की. ओके. अच्छा मैम, आज आप लेट क्यों आए हैं? वो एक्चुअली आज मेरे घर पे मेड ही नहीं आई थी. ओके. तो मैंने सारा काम, डिश वॉशिंग, क्लीनिंग सब खुद से किया, इसलिए मैं लेट हो गई. सो मैम, अगर ये सब पीपल, ये लोग अगर हमारी लाइफ में नहीं होते हमारी हेल्प करने के लिए, तो हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाती, कितनी मैसी हो जाती ना. Yes, ma'am, इतने सारे लोग हैं और ये हमारी लाइफ को इतना इजी और इतना कंफर्टेबल बना देते हैं. Yes, ma'am, अगर ये नहीं होते तो हम बहुत प्रॉब्लम में होते, हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती. ऐसे kids, आपने देखा है ना कि आपको मॉर्निंग में मिल्कमैन आते हैं मिल्क डिलीवर करने, अगर वो नहीं आते तो आपको मिल्क नहीं मिलता ना. और न्यूज के बाद न्यूज़पेपर जो है वो न्यूज़पेपर डिलीवर करने आते हैं ना हमें. एंड देन न्यूज़पेपर हॉकर आते हैं आपको न्यूज़पेपर डिलीवर करने के लिए. और उसके बाद फिर आप स्कूल आते हैं बस ड्राइवर के साथ. यस, और जब आप स्कूल आते हैं तो आपको स्कूल में कौन पढ़ाता है? टीचर. यस, तो ये सब कौन है हमारे? कम्युनिटी हेल्पर्स. यस, ये सब हेल्पर्स है ना. हमारी कितनी सारी हेल्प करते हैं, मॉर्निंग से लेके नाइट तक ये हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं. यस, तो कौन कौन हमारी हेल्प करता है? हमें हम सुबह किसकी किसकी हेल्प से मिल्क ड्रिंक करते हैं? मिल्क मैन की हेल्प से. हमें मिल्क डिलीवर करते हैं ना. हॉकर आते हैं हमें न्यूज़पेपर देने. यस, उसके बाद बस ड्राइवर हमें स्कूल छोड़ के जाते हैं. और जब हम स्कूल आ जाते हैं करते हैं. सो ये सब हमारे कौन है? कम्युनिटी हेल्पर्स. यस, कम्युनिटी हेल्पर्स कौन होते हैं? पीपल हु हेल्प आवर कम्युनिटी एंड मेक आवर लाइफ इजी एंड सेफ, इजी एंड कंफर्टेबल. वो लोग जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी हेल्प करते हैं,
लाइक अगर हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं तो हम ग्रीन ग्रोसर अंकल के पास जाते हैं लीजिए। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने। और जब हमें पढ़ाई करनी होती है तो हम किस कहाँ आते हैं? स्कूल। और कौन हमारी हेल्प करता है? टीचर्स। यस kids, जब हमारी रोड इतनी अनटाइडी हो जाती है, हमारा घर इतना अनटाइडी डर्टी हो जाता है, तो क्लीनिंग में कौन हमारी हेल्प करता है? स्वीपर्स। kids, आपने देखा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। yes. और हमारी लाइफ को इजी एंड कंफर्टेबल बनाते हैं। kids, वी कैन नॉट डू वर्क आवरसेल्फ, सो वी नीड सम पीपल इन आवर डे टू डे लाइफ। kids, हम सारा काम अपने आप नहीं कर सकते ना। हम अपने आप को नहीं पढ़ा सकते। yes. अगर हमारी हेयर लॉन्ग ग्रो हो जाएंगे तो हमें कट करने के लिए, उन्हें शॉर्टकट करने के लिए भी किसी के पास जाना पड़ेगा, किसी की हेल्प चाहिए होगी। हम किसके पास जाते हैं? बार्बर के पास। क्योंकि अगर हमें अपने क्लोथ्स, अपने कपड़े स्टिच कराने तो भी हमें किसी के पास जाना पड़ता है। किसके पास जाते हैं हम? किड्स, टेलर के पास। तो ये जो सारे लोग होते हैं ना, हेल्पर्स, ये हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं और इन्हें हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स। ओके किड्स, हमें इन कम्युनिटी हेल्पर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें इन कम्युनिटी हेल्पर्स की भी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि ये कम्युनिटी हेल्पर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी आपने देखा ना कि आज मेरे घर पे मेड नहीं आई थी। yes. तो मैं कितना परेशान हो गई। स्वीपर नहीं आया था तो फिर क्या होता है, मेरा घर में सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। yes. फिर आपने देखा मैम का पर्स चोरी हो गया। तो किसने हेल्प की? पुलिस मैन। मैम कहाँ गई थी? पुलिस स्टेशन पे, पुलिस मैन के पास। ऐसे ही अगर इतने सारे लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ना। यस, एंड किड्स, कम्युनिटी हेल्पर्स आर सुपर हीरोज, कॉज दे मेक आवर लाइफ सेफ एंड इजीयर। कम्युनिटी हेल्पर्स हमारे सुपर हीरोज होते हैं ना, क्योंकि हमें पूरे दिन में इतने सारे लोगों की हेल्प चाहिए होती है, हमेशा हमारी हेल्प के लिए रेडी होते हैं। yes. हमारे सुपर हीरोज होते हैं और वो हमारी लाइफ को बहुत सेफ, बहुत कंफर्टेबल, बिल्कुल इजी बना देते हैं। यस, सो किड्स, नाउ वी विल डू आवर राइम। हम कम्युनिटी हेल्पर्स पे राइम करेंगे। okay. और आपको देखना है कि मैम ने राइम में कौन कौन से कम्युनिटी हेल्पर्स का नेम लिया। यस, यू हैव टू स्पीक विद मैम एंड यू हैव टू डू एक्शंस आल्सो। ओके, मैम इज वॉचिंग एवरीवन। Okay, so first, what do we do? Title. The title of our rhyme is Community Helpers. If everyone helps each other, we are stronger when we are together. If everyone helps each other, we are stronger when we are together. A policeman keeps us safe, keeps us safe. Keeps us safe. A traffic man guides the traffic, guides the traffic, guides the traffic. A teacher teaches us, teaches us, teaches us. If everyone helps each other, we are stronger when we are together. If everyone helps each other, we are stronger when we are together. A doctor makes us well, makes us well, makes us well. A nurse take care of us, take care of us, take care of us. If everyone helps each other, we are stronger when we are together. If everyone helps each other, we are stronger when we are together. Hey, you, what do? We help each other. Hey, you, what do? We help each other. If everyone helps each other, we are stronger when we are together. Yay! Wow, kids, मजा आया सबको। सबने देखा ना कि इस राइम में सारे कम्युनिटी हेल्पर्स थे। yes. पुलिसमैन, पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, नर्स, नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर, एंड टीचर, एंड टीचर। ये सब क्या है किड्स? कम्युनिटी हेल्पर्स, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं लाइफ में। एंड मैम, व्हाट इज कम्युनिटी?
कम्युनिटीज द सोसाइटी और द एरिया इन विच वी लिव. यस, कम्युनिटी क्या होती है? सोसाइटी और एरिया जहाँ पे हम रहते हैं. सो हमारी कम्युनिटी में जो हमारी हेल्प करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी हेल्पर्स. क्योंकि हमें इन सारे लोगों की हेल्प की जरूरत होती है ना अपनी डेली लाइफ में. यस, एंड मैम हमें इनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. यस, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अब हम वन बाय वन देखेंगे कि हमने राइम में कौन कौन से कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में सुना. Okay, now who is this helper? This is a policeman. This is a policeman. Yes. Okay, ma'am. Now see the color of the uniform. Yes. Policeman wears khaki color uniform. Policeman ki uniform ka color hota hai khaki color. Yes. And kids, policeman ka kya role hota hai hamari day to day life mein? Kids, policeman plays a very important role. Policeman keeps us safe and protect us from thieves. Policeman क्या करते हैं kids? वो हमें सुरक्षित रखते हैं और हमारी रक्षा करते हैं चोरों से. Yes, and policeman guards our society and city. Policeman हमारी society की, हमारे पूरे शहर की रक्षा करते हैं. And with the help of policeman, today we are living peacefully. और सिर्फ पुलिसमैन की हेल्प की वजह से ही आज हम शांति से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं ना. Yes. कोई टेंशन नहीं है अगर कोई हमारी यूजफुल थिंग ले जाता है. कोई चोरी करके चला जाता है तो हम किससे हेल्प लेने जाते हैं? पुलिसमैन. अभी तो आपने देखा ना कि मैम को पर्स ले गया था कोई. तो मैम किसके पास गई थी हेल्प लेने के लिए? पुलिसमैन के पास. सो पुलिसमैन क्या करते हैं? पुलिसमैन कीप्स अस सेफ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स. पुलिसमैन हमें सुरक्षित रखते हैं और चोरों से बचाते हैं. यस, और किड्स पुलिसमैन कहाँ वर्क करते हैं? Policeman works in a police station. Yes, and today we are living peacefully because of policeman. Kiki, so he kaun si community helper hai? Policeman. Okay? Okay, now see the next community helper. Who is this? He's a traffic police. He is a traffic police. Yes. And kids, see the uniform. Traffic police wears white shirt and navy blue pants. Traffic police ki uniform ka color kya hota hai? White shirt and navy blue pant. Yes. And jinka kya role hota hai? Traffic police guides the traffic and controls the signal. ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को गाइड करते हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं. Yes. So that road पे एक्सीडेंट्स ना हो एंड कोई भी ट्रैफिक रूल्स को ट्रैफिक सिग्नल्स को ब्रेक ना करे. Yes, और हम रोड पे बिल्कुल सेफली अपना व्हीकल ड्राइव कर सके. Yes, and kids, जब भी आप अपने मम्मा पापा के साथ जाते हैं व्हीकल पे आप देखते हैं ना रोड साइड पे कौन खड़े होते हैं सिग्नल्स पे? ट्रैफिक पुलिस. Okay, so traffic police क्या करते हैं? Traffic police guides the traffic and controls the signal. ये ध्यान रखते हैं ना कि traffic rules कोई breakdown ना करे. Yes. और हम road पे safely जा सके और road accidents ना हो. Okay, so this is traffic police. Now see the next community helper. Who is this? This is a teacher. ये एक teacher है. और इनका क्या role होता है हमारी life में ma'am? Teacher teaches us new things. Teacher हमें नई चीजें सिखाती है. Yes, and teacher teaches us good manners, good etiquettes. टीचर हमें क्या सिखाती है किड्स? अच्छी अच्छी आदतें सिखाती है. गुड मैनर्स, गुड एटिकेट. Yes. So that हम बड़े होके बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बने. हमें भी तो बड़े होके कम्युनिटी हेल्पर बनना है ना. सो टीचर टीचेस अस गुड गुड थिंग्स एंड गुड मैनर्स एंड गुड एटिकेट. शी हेल्प्स अस इन रीडिंग एंड राइटिंग. आप आते हैं ना स्कूल में तो आपकी हेल्प कौन करता है? टीचर. सो टीचर वर्क्स इन अ स्कूल. कहाँ काम करती है टीचर? स्कूल में. और हमें न्यू थिंग्स सिखाती है. Yes. और लिखना, रीडिंग एंड राइटिंग. किड्स, नाउ सी द नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्पर. हु इज दिस? दिस इज अ डॉक्टर. दिस इज अ डॉक्टर. ओके, नाउ सी द यूनिफॉर्म ऑफ डॉक्टर. डॉक्टर वेयर्स व्हाइट कोट, हैंड ग्लव्स एंड स्टेथोस्कोप. डॉक्टर क्या वेयर करते हैं? व्हाइट कोट, हैंड ग्लव्स एंड स्टेथोस्कोप. यस, एंड डॉक्टर वर्क्स इन अ
हॉस्पिटल। डॉक्टर कहाँ काम करती है? हॉस्पिटल में। एंड डॉक्टर का क्या रोल होता है हमारी डेली लाइफ में? डॉक्टर ट्रीट्स अस एंड हमें सिक, जब हम सिक हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? मेडिसिन, और इससे हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं। किड्स, जब हम बीमार होते हैं, सिक होते हैं, हमें फीवर, कफ, कोल्ड या कोई और डिजीज होती है, तो हम किससे हेल्प लेने जाते हैं? डॉक्टर के पास। हमें मम्मा कहाँ लेके जाती है? हॉस्पिटल में। एंड फिर डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और जल्दी से ठीक हो जाते हैं, है ना किड्स? Now see the next community helper. Who is this? This is a nurse. This is a nurse. And see the uniform of nurse. Nurse wears white color uniform. Nurse wears white color uniform. And nurse का क्या रोल होता है? Yes, nurse किसकी टेक केयर करती है? Patients की। Yes kids, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि वहाँ पे कितने सारे patients हैं। Yes। और उनमें से कुछ patients तो admit भी होते हैं, तो उनकी टेक केयर, उनकी देखभाल कौन करता है? Nurse। और nurse कहाँ वर्क करती है? In a hospital। और nurse डॉक्टर की भी बहुत हेल्प करती है। And kids, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको इंजेक्शन कौन लगाता है? Nurse. Yes. So nurse take care of the patients. Okay, kids. So ये कौन सी community helper है? Nurse. All right, kids. So आज हमने 5 community helpers के बारे में पढ़ा ना? ऐसे तो बहुत सारे होते हैं. Yes. Morning में milkman आता है, फिर driver. फिर उसके बाद टेलर हमारी क्लोथ स्टिच करते हैं, स्वीपर, बाबर, बहुत सारे कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं। सो हम अपने आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे उन सभी कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके किड्स, सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। हमने कौन कौन से कम्युनिटी हेल्पर्स आज किए? नर्स। नर्स, नर्स क्या करती है? पेशेंट्स की टेक केयर करती है। यस, एंड नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट डॉक्टर, एंड डॉक्टर क्या करते हैं? टोपी पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जब आप इल हो जाते हो ना तो डॉक्टर आपको ठीक करते हैं। यस, और वो भी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। नाउ हु इज दिस कम्युनिटी हेल्पर? टीचर। और टीचर का क्या क्या रोल होता है? टीचर टीचेस अस न्यू थिंग्स, गुड मैनर्स, गुड एटिकेट्स, एंड शी हेल्प्स अस इन रीडिंग एंड राइटिंग। एंड टीचर कहाँ वर्क करती है? स्कूल में। यस। नाउ नेक्स्ट, हु इज ट्रैफिक पुलिस? एंड ट्रैफिक पुलिस का क्या रोल होता है? Guides the traffic and controls the traffic signals. Yes, ताकि road accidents ना हो और कोई भी traffic rules को break ना करे. Okay, now see the next community helper. Who is he? This is a policeman. Yes. And policeman क्या करते हैं? Policeman protect us from thieves and make us safe. Yes, policeman हमें चोरों से बचाते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें हमेशा. So kids, आज हमने सीखा ना कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में। Yes. So कम्युनिटी हेल्पर्स कौन होते हैं? The people who help our community and make our life easy and comfortable. Yes, these are known as community helpers. Now मैम आपसे questions put up करेंगी और आपको answer करने हैं। So kids, who teaches us? कौन है? कौन पढ़ाता है? Yes. Raise your hand. Quickly, quickly, raise your hands. Who is going to answer? Who teaches us? Yes, Vivan. Vivan Agarwal, unmute yourself. Vivan, बोलो। Teacher. कौन पढ़ाता है? बोलो। Teacher. Very good. Yes, who else? Who catches the thief? Thieves. चोर को कौन पकड़ता है? Catches the thief. Raise your hand. Who is going to answer? Yes, quickly, quickly, raise your hands. Fast, fast. Ayan, please unmute yourself. चलो बताओ। मैम आपसे पूछ रही है, बताओ। Yes. Who catches the thieves? Very good. Very nice. Very nice. So आज हमने
आपने कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में पढ़ा, अब आप घर पे इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके किड्स, और सब हमें कम्युनिटी हेल्पर्स की रिस्पेक्ट करनी है और उनकी भी हमें हेल्प करनी है। ओके किड्स, नाउ टुडे वी लर्न अ न्यू थिंग। किड्स, हमने हिंदी में दो अक्षर के शब्द सीखे हैं ना। Yes. दो अक्षर के शब्द क्या होते हैं? जब हम दो अक्षर को मिलाकर लिखते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? दो अक्षर के शब्द। So, आज हम करेंगे दो अक्षर के शब्दों के वाक्य। Yes. और वाक्य क्या होते हैं मैम? जब हम दो और दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर लिखते हैं तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? वाक्य। तो जैसे आपके इंग्लिश में होता है ना सेंटेंस, लाइक दिस इज अ बॉल, टू से ज्यादा वर्ड्स हम जब लिखते हैं तो वो सेंटेंस होते हैं। Yes. ऐसे हिंदी में जब हम दो से ज्यादा शब्द लिखते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो उन्हें वाक्य बोलते हैं। ओके किड्स, तो आज हम दो अक्षर के शब्दों के वाक्य सीखेंगे। Now look at the board very carefully and you all have to speak after ma'am. Dar, 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 dar. Ma, ta, mat, ma, ta, mat. डर मत, डर मत। देखिए कि ये क्या है? वाक्य। और जब वाक्य खत्म हो जाता है तो हम वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। ओके किड्स, ये स्टैंडिंग लाइन हमने जो लगाई है उसको क्या बोलेंगे हम? पूर्ण विराम। ओके, घर घर, घर घर, चल चल, चल चल, कर कर, कर कर, पढ़ पढ़, पढ़ पढ़। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। घर चल कर पढ़, घर चल कर पढ़। ठीक है किड्स, वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। हमारा वाक्य खत्म हो गया इसलिए हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम। चल चल, चल चल, फल फल, फल फल, चख चख, चख चख, चल फल चख, चल फल चख। फल फल, फल फल, चख चख, चख चख, कर कर, कर कर, जग जग, जग जग, भर भर, भर भर, फल चख कर जग भर, फल चख कर जग भर, टब टब, टब टब, पर पर, पर पर, मग मग, मग मग, रख रख, रख रख, टब पर मग रख, टब पर मग रख। ओके किड्स, हम इन वाक्य को एक साथ रीड करेंगे अब। डर मत, डर मत, घर चल कर पढ़, घर चल कर पढ़, चल फल चख, चल फल चख, फल चख कर जग भर, फल चख कर जग भर,
टब पर मग रख, टब पर मग रख। ठीक है किड्स, आपको सेंटेंसेस को एक साथ में रीच करना है। ओके किड्स, नाउ अब मैम आपसे पूछेंगी, आपको वो शब्द रीड करना है। ओके किड्स, नाउ हु इज गोइंग टू रीड, ये शब्द कौन पढ़ेगा? यस, रेज योर हैंड्स। चार्वी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा आपको ये शब्द पढ़ना है, ये पूरा वाक्य नहीं पढ़ना, आपको शब्द पढ़ना है। वेरी गुड, यस। ओके नाउ नेक्स्ट, अब ये वाला शब्द कौन पढ़ के दिखाएगा? रेज योर हैंड। भूमिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस भूमिका अनम्यूट योरसेल्फ। मत तुमसे पूछ रही है मैं, बताओ मत। यस बेटा मत बताओ, ये शब्द पढ़ो। पढ़ो बेटा, इसको क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बेबी? एनीबॉडी एल्स, कोई और पढ़ेगा ये शब्द? दिव्यांशी ज्ञान चंदानी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड, मत, वेरी गुड, वेरी गुड किड्स। सो आज हमने क्या पढ़ी? हिंदी के वाक्य। ठीक है किड्स, और आपको इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको घर पे भी अच्छे से रिवाइज करना है और हमें अच्छे से वाक्य को बोलना है। ओके, हम एक एक शब्द नहीं बोलेंगे, हमें पूरा वाक्य पढ़ना है एक साथ। ठीक है किड्स? ओके किड्स, नाउ वी विल डू राइमिंग वर्ड्स। किड्स हमने किए थे ना लास्ट क्लास में राइमिंग वर्ड्स। यस, तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है। ओके किड्स, जिनकी साउंड सेम होती है, लाइक फॉर एग्जांपल ओके नाउ रीड फॉक्स फॉक्स। ओके नाउ फ ऑक्स फॉक्स। ओके किड्स, अब हम इसके और वर्ड्स बनाएंगे, और राइमिंग वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, नाउ जैसे कि हमने बनाया ब ऑक्स बॉक्स, ब ऑक्स बॉक्स एंड ऑक्स एंड ऑक्स। सी, जिनकी लास्ट के वर्ड्स ये सेम है ना, लास्ट के जो ये है लेटर्स, सी ये लास्ट टू लेटर्स सेम है ना, तो इनकी साउंड भी सेम आती है। यस, अब हम इसे क्विकली रीड करेंगे। फॉक्स बॉक्स ऑक्स, फॉक्स बॉक्स ऑक्स। ओके किड्स, क्या है? राइमिंग वर्ड्स। अब मैम लिख रही है और आपको अच्छे से देखना है, और आपको और राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। लाइक लो एड लेट लेट। ओके नाउ प्लीज मेक मोर राइमिंग वर्ड्स ऑफ लेट। हु इज गोइंग टू मेक? यस, रेज योर हैंड। कौन बनाएगा लेट के राइमिंग वर्ड्स? यस फियांशी गोस्वामी, अनम्यूट योरसेल्फ। कुछ ही बोलो, कॉड कॉड। No, बोलो कॉड। लैड का राइमिंग वर्ड बनाना है। लॉर्ड लॉर्ड लैड लैड। यस बेटा मेक अ राइमिंग वर्ड लैड। बोलो सही, बोलो सही, बोल रहे हो, बोलो लैड। बैड, बी ए डी बैड, P-A-T, pad. P-A-T, pad. Very good. उसने बता दिया, कॉपी करो उसे। Very good, good. Okay, now next. और कौन बनाएगा लैड का राइमिंग वर्ड? रेज योर हैंड। और कौन बनाएगा? यस हिमांशी घेरा, अनम्यूट योर सेल्फ। बोलो एलर्टी लैड। बेटू आपको लेट्स के राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं।
लेड के राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं. यू हैव टू मेक राइमिंग वर्ड्स ऑफ लेड. यस बेटा क्विकली. सी जैसे यहाँ पे बनाए ना लैड पैड सैड एसिडी सैड सैड. सो अब हम इसे रीड करेंगे. लैड लैड पैड पैड सैड Sad. अब आपने देखा इनके भी लास्ट टू लेटर्स सेम है इसलिए साउंड सेम आती है. ओके अब नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प एन पेन. प एन पेन. ओके नाउ के जब आपको पेन के राइमिंग वर्ड्स बनानी है फास्ट फास्ट. यस लक्षा अनम्यूट योरसेल्फ. Men. Very good. Men and men. Very good. Very good. Yes. Well. Next, और कौन बनाएगा? Pen के rhyming words. Yes, Kriyansh, unmute yourself. Yes, unmute yourself, Kriyansh. Quickly, quickly. Yes, beta. Anybody else? Yes. और कोई बनाएगा पेन के राइमिंग वर्ड्स? Raise your hand. Yes, quickly, quickly, raise your hands. कौन बनाएगा पेन के राइमिंग वर्ड्स? Yes, Navidhya, unmute yourself. Yes, Navidhya, unmute yourself. Okay, anybody else? Her hand. Very good. Her hand. Very good. Her and hand. Very good. Very nice. Clapping. Okay, so we read karenge. P and pen. Pen. Men. Men. Hen. Hen. Okay, now see the last two letters are similar. So, inki sound bhi kaisi hogi? Similar, same, same. Okay, now, kids, next. The next word, ka-it, kit. Ab aapko kit ke rhyming words banane. Who is going to make? Raise your hands. Raise your hands. Yes. Nivan, please unmute yourself. Very good. Fit. Fit. Very nice. Okay, now next. Or kaun banayega? Kit ke rhyming words. Next. Raise your hand. Padma Jha, please unmute yourself. Bolo, mit. Knit. M-I-T. Knit. No, beta. Mit is not a word. Make any other word? Yes. Kit, fit. Fit, fit. Yes, make yes. any other word? See, or for Abhi Lego. Yes, L-I-T, lit. Okay, beta? L-I-T, lit. Yes. Hmm. So, we'll read it together. Kit. Kit. Pit. Pit. Lit. Lit. Okay, kids. इनके लिए इनके जो लास्ट टू लेटर्स हैं are similar. So इनकी साउंड भी कैसी होगी? Similar. Same. Yes. Same. Yes. Now, see the next word. Yes, kids. See the next word. J et jet. J et jet. Okay, now. Who is going to make the rhyming words of jet? Raise your hand. Piyush, please unmute yourself. Piyush.
Yes, Piyush, quickly, quickly unmute yourself. Anybody else? Or kaun banayega? Jet ke rhyming words? Raise your hand. Raise your hands. Who is going to make? Fast, fast. Yes, quickly, quickly. Raise your hands. Simone, please unmute yourself. Ma'am. Yes, Vita. Petty pet. Petty pet. Petty pet. Very good. Anybody else? Or kaun banayega? Jet ka rhyming word? Goranchi Natani. Please unmute yourself. NET net. Very good. NET net. Very nice. Okay, now so, we'll read it together. Jet. Jet. Pet. Pet. Net. Net. Okay, okay. See, the last two letters are same. So, inki sound bhi same hogi. Okay. Now, see the next word. No, ought not. Now, who is going to make the rhyming word of not? Raise your hand. Anika Gupta, please unmute yourself. Yes. Pot, very good. Yes, beta, speak again. Pot. Pot. Okay, now. Pot. Pot. Very good. Okay, now who else is going to make the rhyming word of not? Yes, quickly, quickly. Raise your hand. Quickly, quickly, raise your hands. Yeshna, please unmute yourself. Yes, unmute yourself. T-O-T. Sorry? D-O-T. D-O-T. Very good. Very good. D-O-T dot. So, now we'll read it together. Not. Not. Pot. Pot. Dot. Dot. Yes. See, the last two letters are same. So, inka sound bhi same aayega. So, okay. So, humne kya kiye aaj? Rhyming words. Rhyming words kiye na. And hume kya karna hai? Last two letters ko hamesha saath mein reach karna hai. Okay. Like. The last two letters are? Et. Et. So, hume saath mein reach karna hai. Jet. Et. Jet. Okay. See here, the last two letters are? Ot. So, hum ot ko, O-T, ot ko saath mein reach karenge. Okay. Na, ot, not. Na, ot, not. So, kids, aaj humne rhyming words kiye na. Rhyming words kya hote hain? Aise words, jinki sounds. सेम होती है जिनकी साउंड सिमिलर होती है उनको हम क्या बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स अब आपको घर पे भी इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ओके किड्स सो ये हमारी कौन सी क्लासेस चल रही है हमारी लाइव क्लासेस और हम अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपको लिंक शेयर किया है उसे ओपन कर देख सकते हैं yes. या फिर स्कूल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं You can subscribe the school YouTube channel for regular updates. Okay, right, kids? Till then, take care. Stay safe. Bye-bye.